हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये समीक्षा अधिकारी का आपका पेपर है, इसके लिए अभी कितना आपके पास वक्त है, कैसे आप तैयारी करें और कौन कौन सी बुक्स अभी आप पढ़ें ताकि ये जो आपकी प्रिपरेशन है कम्प्लीट हो पाए, सिलेबस कम्प्लीट आप कर पाएँ और ना सिर्फ कम्प्लीट कर पाएँ बल्कि जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें आपको याद रहें। अब अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे और NCERT पढ़ना स्टार्ट करेंगे और स्टैंडर्ड बुक्स करना स्टार्ट करेंगे, इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते। इसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपको पे नहीं करना। वहाँ पर डेली बेसिस पर जो क्विज़ कंडक्ट हो रही है उस क्विज़ को आप परफॉर्म करो, उन क्वेश्चंस को एज इट इज़ रट लो, समझ रहे हो। अब यहाँ पर जो NCERT है, NCERT के अंदर से जो लाइन वाइज लाइन अगर क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है वो सब कुछ वहाँ पर आपको करवाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा 10 टेस्ट का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है उसको आप ज्वाइन कर लो, वो टेस्ट सीरीज़ आपको कंप्लीट जो सिनेरियो है जो भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वो सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। मिसलेनियस टॉपिक्स की अगर बात करें जिसमें मिनरल डेटा है, इसके अलावा जो आपका अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं वो रिपोर्ट्स, वो सब कुछ वहाँ पर कवर अप हो जाएंगी। आपको सिर्फ हमारे जो प्रोग्राम है उनको ज्वाइन करना है, डेली बेस पर टेलीग्राम पर जो भी चीज़ आ रही है उसको आपको रट्टा मारना है एज इट इज़, ठीक है। अब ये टाइम नहीं है कि आप NCERT पेज वाइज पढ़ें या फिर स्टैंडर्ड बुक्स आप पेज वाइज पढ़ें या फिर किसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट प्लेलिस्ट फॉलो करें, हो नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप एक वीडियो मान लो 2 घंटे का वीडियो उसको आप देखने चलोगे तो आप मान के चलो उसके जब आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो 3 घंटे का टाइम इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। ये वन टाइम है, इसके बाद मल्टीपल टाइम्स आप उसको रिवाइज करोगे तो इतना वक्त है नहीं। तो किस तरीके से करना है ये मैंने आपको बताया, टेलीग्राम चैनल उसका लिंक मैंने इस वीडियो के मैसेज सेंटर में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा डिस्क्रिप्शन सेक्शन है इस वीडियो का, उसमें जाकर आप टेलीग्राम चैनल को वहाँ पर लिंक जो है उस लिंक से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जो भी आपको वहाँ पर करवाया जा रहा है उसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। डेली बेसिस पर क्विज़ में आपको पार्टिसिपेट करना है, क्वेश्चंस को एज इट इज़ याद कर लेना है, उसके अलावा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए भी हमारा क्विज चल रहा है, वो भी आप करिए। और जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है उसको अगर आप ज्वाइन कर लोगे जिसमें आपको पूरे अगर हम देखें तो 1400 क्वेश्चन GS के और 600 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे। इन सबको करने के बाद कुछ और बचेगा नहीं और शायद आपके पास अब टाइम भी नहीं होगा इन सबको करने के बाद, ठीक है। मतलब इतना तो मतलब आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, अभी एग्जामिनेशन की बात करें तो 3 से 3.5 महीने, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है और इतने में ही आपको तैयारी करनी है। अभी 181 वैकेंसीज हैं, ये बढ़कर 250 तक हो सकती हैं, बट अभी जो रियलिटी है वो 181 की है। जनरल कैटेगरी के हैं तो आप समझ लीजिए आपकी वैकेंसी कितनी बची। तो यहाँ पर ज़रूरी यह है कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए, इस समय ये नहीं कि हार्ड वर्क करने पे लग गए और सब कुछ कवर अप करना है। इस ज़िद के साथ चलेंगे तो अपना टाइम ख़राब करेंगे और बाद में जब एग्जामिनेशन में आप बैठोगे और एग्ज़ाम ख़राब होगा तब आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाओगे। फिलहाल के लिए अपने अंदर एक मोटिवेशन बनाकर चलो, जो मैं बता रहा हूँ उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, एकदम सेपरेट स्ट्रेटेजी है। अगर आपने और वीडियोस देखे होंगे और किसी भी चैनल पर आप गए होंगे वहाँ पर पढ़ रहे होंगे, डेली बेसिस पर 2-2 घंटे 3-3 घंटे के क्लासेस चल रहे हैं, वो यूज़लेस हैं। वो यूज़लेस इसलिए हैं क्योंकि टाइम इतना नहीं है, उसके लिए पूरा 1 साल चाहिए होता है, तब आप बिल्कुल ज़ीरो शुरू कर सकते हो। अगर आप न्यू कमर हो, आपके पास टाइम कम है, आप हाउसवाइफ हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, तब जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उससे बेहतर तरीका है ही नहीं दूसरा। आपको वो सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जो एकदम टू द पॉइंट है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा एग्जैक्टली वही आपको दिया जा रहा है। तो बिल्कुल देर मत करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे तो आपको देने भी नहीं, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पर